वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरुजी में। बिग बॉस 16 की ट्रॉफी रैपर MC स्टैन ने अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही उनकी जिगरी दोस्त और उस ट्रॉफी के सबसे बड़े हकदारों में से एक शिव ठाकरे रनर अप रहे हैं। ट्रॉफी के इतने नजदीक आकर उसे ना जीत पाना यकीनन शिव ठाकरे के लिए भी निराशाजनक रहा है। सीजन की शुरुआत से ही शिव ठाकरे का रवैया एक विनर की तरह लग रहा था। पूरे सीजन में उन्होंने अपनी गेम से लाखों फैंस का दिल जीत लिया है। बीते दिन सोशल मीडिया पर बिग बॉस जीतने के लिए शिव ठाकरे का नाम काफी चर्चाओं में रहा है। बिग बॉस की ट्रॉफी अपने जिगरी दोस्त MC स्टैन से हारने के बाद शिव ठाकरे का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। टेलीटॉक इंडिया से बात करते हुए शिव ठाकरे ने कहा, बिग बॉस की शुरुआत से ही मैंने अपना 100% दिया है। ट्रॉफी के इतना नजदीक आकर नहीं जीतने पर बुरा तो लग रहा है, पर इस घर ने मुझे काफी कुछ सिखाया है जो मेरे करियर में मुझे काम आने वाला है। मैं भले ही ना जीता हूँ, पर इस शो से मुझे जो पहचान और प्यार मिला है, मैं उसके लिए काफी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही बिग बॉस मराठी के विजेता शिव ठाकरे ने आगे बताया, सब कुछ करने के बाद भी बिग बॉस 16 की ट्रॉफी नहीं जीत पाया हूँ। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारी किस्मत में ही नहीं होती है, लेकिन मैं इसकी पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ। अगर मैं बिग बॉस जीत जाता तो आने वाले प्रोजेक्ट के लिए मेरा पैशन शायद थोड़ा कम हो जाता, लेकिन अब मैं और भी अधिक पैशन के साथ काम करूंगा। MC स्टैंड के ट्रॉफी जीतने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस दो गुटों में बढ़ गए हैं। एक तरफ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरे गुट का मानना है कि शिव ठाकरे उनसे ज्यादा डिजर्विंग विनर होते। एक इंटरव्यू में MC स्टैंड ने भी कहा कि इस ट्रॉफी के हकदार शिव ठाकरे हैं। इसी तरह से करंट, लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।